व्हाट अ कोइंसिडेंस यू वन एंड वन ऐसा म्यूजिक कंपोजर ड्यूओ मैंने अभी तक तो वी नेवर हर्ड अबाउट इट कि कैसे कोइंसिडेंस हुआ दैट यू बोथ गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड योर जर्नी तो उसकी स्टार्टिंग ही हमारे नाम से होती है. मैं इंजीनियर हूँ तो मैं LMT में जॉब कर रहा था और ये पहले से म्यूज़िक कर रहा था एंड मेरी नेबर और इसकी बहन फ्रेंड्स थे तो उन्होंने जस्ट वन डे बोला कि यार यहाँ पे ग्रोहन है जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और यहाँ पे ग्रोहन है जो म्यूज़िक कर रहा है. तो वो नाम से ही हम लोग जुड़े. हम फिर उसके बाद एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का काम सुना. उसने तो काम उसके पहले भी दो तीन मराठी फिल्म्स किए थे. मैंने अपना काम सुना उसके बाद में दो तीन मैंने काम ही नहीं किया. एंड देन वन फाइन डे निकलोडियन करके चैनल है आपको सबको पता होगा उस पर एक शो था कीमोन करके और उसमें 30 सॉन्ग्स चाहिए थे. इट्स एन एनिमेटेड शो एंड वो प्रोजेक्ट से फिर हमने शुरुआत की देखना कि काम हो सकता है क्या साथ में हम लोग काम कर सकते हैं. और फिर वो प्रोजेक्ट में इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ कि उसके बाद वी नेवर लुक बैक. दिस इज 2014 फर्स्ट मुलाकात हुई आप दोनों की म्यूजिक को लेकर. क्रिएटिव पीपल एक हमेशा एक क्रिएटिव थोड़ा सा एक बार अपना हमेशा ऊपर रहता है. दैट्स व्हाट वी हर्ड. सो आप दोनों कैसे जेल किए इन द म्यूजिक स्पेस? फ्रैंकली तो जब पहली बार मिले थे तभी दोनों भी थोड़े से मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे में बिकॉज वी नेवर न्यू कि ये भी ऐसा कोई है जो म्यूजिक कर रहा है और मैं भी ऐसा उसको भी पता नहीं था कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. तो पहले तो बहुत फॉर्मल था एक्चुअली मिलना हमारा. बट जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए कीमोन का जैसे हमारा काम हुआ वैसे हमको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि हमारी वेवलेंथ बहुत मैच करती है. और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें यह था कि दोनों का म्यूजिक का टेस्ट जो है वो बहुत डाइवर्स है. सो मैं बहुत इंडियन और वैसे सब पुराने गाने और ये सीख के बड़ा हुआ हूँ. रोहन का बहुत वेस्टर्न कल्चर और जॉन विलियम्स और हैंस ज़िमर ये सब सुन सुन के आगे किया है. तो आई थिंक वो जो म्यूज़िक का एक डाइवर्सिटी है हमने दोनों ने साथ में ला कर कोशिश किया करने का वो वर्क कर गया आई गेस हमारे लिए. तो डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी सबसे बड़ा ब्रेक था वेंटिलेटर करके मराठी फिल्म जो हमने की थी प्रियंका चोपड़ा ने जो प्रोड्यूस की थी तो आई गेस वो भी वो उसका जब हमने म्यूजिक बाबा करके एक सॉन्ग है जो बाद में प्रियंका चोपड़ा ने खुद गाया दैट इज़ प्रॉब्ली दी ओनली मराठी सॉन्ग दैट शी हैज संग. एंड कट्टू वहाँ पे और एक गाना यारे या सारिया करके जो बहुत गणपति में इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग मराठी में प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग. तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी उसी की वजह से है कि एक बहुत एथनिक गाना वेंटिलेटर में था फिर एक बहुत इमोशनल गाना था बाबा करके. सो आई गेस वो डाइवर्सिटी ही देन आगे जाके हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी. डाइवर्सिटी में कई बार यू नो व्हेन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर एक इनपुट और ओपिनियन थोड़ा अलग अलग रहता है. सो कितने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आप दोनों में? जीरो. बिल्कुल भी नहीं. हाँ बिल्कुल भी नहीं बिकॉज इसका एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम दोनों भी हमारे प्लान बी प्लान सी प्लान डी के साथ रेडी रहते हैं. हम कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि अगर एक चीज़ मैंने बनाई है तो वो वर्क करनी ही चाहिए ऐसा कभी नहीं होता. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं करता हूँ वो वर्क नहीं करता उससे ज़्यादा बेटर इसको आता है कुछ. बहुत बार ऐसे भी होता है कभी वो एक लाइन लिखता भी है या कुछ करता है तो वो वर्क नहीं करता एंड वी आर एक्सट्रीमली ओके विद इट. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको ऐसा लगे कि अरे नहीं ईगो आ गया कहीं पर. बिल्कुल भी नहीं है. वी आर कम्प्लीटली फाइन कि ये नहीं वर्क करेगा तो हम प्लान बी के साथ रेडी है. और इसका आई गेस फायदा क्लाइंट को भी बहुत होता है. जैसे इतने मुझे याद है जब हमने मैं बढ़िया तू भी बढ़िया किया था संजू के लिए तो उसके 18 वर्जन्स है. अब ये 18 वर्जन्स इसीलिए पॉसिबल हुए क्योंकि हमारे प्लान बी प्लान सी प्लान डी रेडी थे. क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी. राजू सर को वो वहाँ पे ऐसा एरा दिखाना था 60s का कि अगर 60s में एक बॉम्बे में साउथ बॉम्बे में अगर आपका उस ज़माने में पब्स रहते थे तो किस टाइप का म्यूज़िक रहेगा. तो उसमें एक नेजल टच और उसके बाद वो एक ग्रूव जो है और इतना ज़्यादा लिरिक्स पे भी काम हुआ था. तो आई गेस बहुत सारे वर्जन्स उसी लिए बनता है बिकॉज वी वर ओपन टू अ फैक्ट कि नहीं लेट्स नॉट बी स्टबर्न कि नहीं यही है.
let's be open to his brief also. So I guess that worked. और राजू सर का आप सबको पता भी है कि उनका काम करने का तरीका ही वो है. He's completely into film. मतलब उनके हर गाने को फिल्म का एज होना ही चाहिए, तभी वो उस चीज़ को अप्रूव करते हैं. और इसीलिए हमारे तो बहुत ज़्यादा सेशन जो है उनके साथ में, बट बहुत प्यारे सेशन थे. तो वी आर वेरी हमने रणबीर कपूर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया. एब्सोल्युटली. नेशनल अवार्ड मिलना लाइफ के इतने यू नो करियर के इनिशियल स्टेज पे मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था. हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी बार्डो करके, एंड पिछले ही साल उसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का. सो आई बिलीव जब मुझे तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, तो मैंने उससे पूछा कि देख लेना बार्डो नाम के कोई दो फिल्म तो नहीं है, क्योंकि वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट. और वो फिल्म बहुत आई मीन इट कम आउट सून, अभी उसका फाइनल डीलिंग चल रहा है, बट इट्स सरियल थॉट. बाकी सब अवार्ड्स एक जगह, नेशनल अवार्ड एक जगह, दिल्ली जाके डिप्टी प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से वो अवार्ड लेने में बहुत बहुत अलग ही खुशी होती है. म्यूजिक एंड यू नो यू हैव कंपोज फॉर द बेस्ट ऑफ फिल्म्स, बेस्ट ऑफ एक्टर्स. सो कितना चैलेंजिंग रहता है व्हेन यू मूव ऑन फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर विद डिफरेंट क्रिएटिव स्पेस? हाउ डज दैट हैपन? बहुत फ़र्क है. और एक्चुअली एडवांटेज वही है कि हमने इतनी जो फिल्में की है मेजर, वो सब पूरी फिल्में की है. आजकल के ज़माने में ऑल नो कि एक गाना मिलता है कोई कंपोज़र को, छः छः कंपोजर्स रहते हैं. सो वो एरा में वी स्टिल प्रेफर कि पूरी फिल्म हो, हड्डी के भी सातों गाने और पूरा बैकग्राउंड स्कोर हमने किया. इवन संजू में तीन गाने हमारे थे, विजेता पूरी हमने की, बकेट लिस्ट पूरी, वेंटिलेटर पूरी. सो वो प्रोसेस हमको ज़्यादा पसंद है, जहाँ डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है और जिसके ब्रीफ के ऊपर पूरे सिचुएशनल गाने बनते हैं, एंड वहीं पे हम लोग हमारी वर्सेटैलिटी पे काम कर सकते हैं. इवन ठाकरे का पूरा एल्बम हमने किया था. सो वही फिल्म से ज़्यादा हमें कनेक्टेड रखता है, रादर देन यू नो कभी हमको बस. हमने ये भी किया है, हमने बाईपास रोड में एक गाना किया था, बट वो कैसा है कि नील हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उसको हमने जस्ट एक बार गाना सुनाया था, ही लव्ड इट सो मच, उसने बोला ये तो चाहिए. सो इवन दैट अकर्स, उसका भी एक अलग मैजिक है. बट आई गेस फिल्म के सोल तक पहुंचने के लिए पूरी फिल्म करना कभी प्रेफर्ड है. और ये भी कहना चाहूँगा कि हम दोनों चाहते हैं कि हमको लोग याद भी इसीलिए करें कि इनका म्यूजिक वर्सेटाइल है. इस म्यूजिक में हमारे कभी भी टाइप कास्ट नहीं होता. हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि अगर हमारा ये गाना चल गया है, अगर ये वर्क कर गया लोगों के लिए, तो हमको उसी जोन में सारे गाने बनाने चाहिए. हम लोग इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते. वी ऑलवेज बिलीव कि गाने ऐसे हों जो फिल्म को आगे लेकर जाए, क्योंकि हम फिल्म के लिए म्यूजिक कर रहे हैं. अगर हमको एक टाइप कास्ट, एक तरीके का अगर म्यूजिक करना हो, तो वील डू आर ओन सिंगल्स, हम उसमें करेंगे, वील डू एक्सपेरिमेंट्स देयर. बट अगर आप फिल्म कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए. और हम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखते हैं कि हमारा म्यूजिक वर्सेटाइल हो, हर चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो जो फिल्म को करेक्ट आगे लेके जाए. नहीं, फिल्म उसमें सात गाने, पूरा बैकग्राउंड स्कोर, ट्रांसजेंडर का बैकड्रॉप, क्योंकि हम लोग जस्ट ठाकरे किया था नवाज भाई के साथ, एंड उसके बाद वी वेर नॉट इन टच बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. सो हम डायरेक्टर से मिले थे, उसके बाद हड्डी आई थी, और फिर हड्डी का पहला पोस्टर दिखा था उन्होंने, नवाज दिन का ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई मीन दैट वॉज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर अस. बाकी की जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया. सो अभी रिसेंट हड्डी का गा लेंगे पेपर का. हाँ हाँ हाँ, ये गा गए बेटर सिंगर. कैसे कैसे लम्हे आते हैं, मन में कई सवाल लाते हैं, खोए थे हम न जाने कहाँ, जो आज खुद से मिलने आए हैं. पल भर थी दूरियाँ, पल भर थी हस्तियाँ,
पल भर का ये सफर लगे सदियों सा, बेपरदा बैरागी रूह ने रुतबा पाया रे, बेपरदा अब जाके मैंने खुद को पाया रे। फर्स्ट आएगा।